हे गाइस, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से देसी गुलाब के फ्लावर से, जो कि अब खिलने वाले हैं और बहुत सारे मेरे देसी गुलाब में बर्ड आई हुई हैं। देखिए, ये देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा देती हूँ कि मैं जो केयर करने की टिप्स बताती रहती हूँ देसी गुलाब की, अगर आप भी उसी तरीके से इसका केयर करेंगे तो आपके भी देसी गुलाब पे विंटर में भी फ्लावरिंग होगी। तो गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है वो डायंथस के प्लांट पे है रिलेटेड। मैं डायंथस का नर्सरी से जो प्लांट लेकर आई थी उससे रिलेटेड मेरे साथ कुछ ऐसा काम हुआ जिसे कि मुझे लगा कि मैं उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपका भी डायंथस प्लांट ना मरे। तो बहुत शॉकिंग बात था, तो मुझे लगा कि बस आपको ज़रूर बताना चाहिए, कहीं आपका भी नर्सरी से लाया हुआ प्लांट मर ना जाए, जो कि मेरे साथ हो चुका है, किसी और के भी साथ ना हो। इसलिए मैं अपने डेंथस प्लांट को भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ वो बात भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है डेंथस प्लांट को लेकर। तो गाइस, हमारे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप वो बात जान सके। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखा तो आपका डेंथस भी कभी कभी, अगर उस तरीके से जो मेरे साथ हुआ अगर आपके साथ भी वैसा होगा तो ना ही आपका प्लांट ग्रो करेगा और हो सकता है कि प्लांट मर भी जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ मैं, और ताकि आप भी सावधान हो जाए डायंथस को लेकर। ये है मेरा डायंथस का प्लांट। मैंने इसको दीपावली के दिन नर्सरी से लेकर आई थी मैं इसे। तो इसको लगाने के बाद इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग में तो खूब अच्छे से, इसके नीचे से पप्स वगैरह निकले, छोटे छोटे प्लांट निकले, फिर अचानक से इसकी नीचे से पत्तियां येलो होने लगी और इसकी ग्रोथ रुक सी गई। तो मैंने सोचा कि क्यों येलो हो रही है, मैं इस पर ज़्यादा पानी भी नहीं देती हूँ, ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ उसका ओवर यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस मैंने इसको दोबारा से निकाल के इसकी रूट को चेक किया कि कहीं ये गल तो नहीं रहा। तो मैंने देखा, जो उसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये कैसा, क्या है और क्यों है इसकी रूट। ये प्लांट जिस चीज़ में पहले ग्रो किया गया था वो कोको पेड था, और इसकी रूट थी शायद पहले बहुत छोटे पॉट में ग्रो किया गया था, उसकी रूट कोको पीट में एकदम से बाउंड हो चुकी थी, जैसे लग रहा था कि कोको पीट और रूट को मिलाकर सफ़ेद धागे से बांध दिया गया हो। स्टार्टिंग में नर्सरी वाले जब प्लांट ग्रो करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पॉट में ग्रो करते हैं, सीडलिंग करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक पॉट है, सॉरी, ये मैं इसमें डहेलिया का प्लांट मिला था मुझे नर्सरी से। आप सोचिए कि इसमें अगर कुछ ही दिन प्लांट रहेंगे तो रूट बाउंड हो जाएगी। तो ये भी प्लांट बहुत छोटे पॉट में से फिर बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग में शिफ्ट करते हैं नर्सरी वाले। तो इसका जो रूट बाउंड था कोकोपीट के साथ इस तरीके से बाउंड हो चुका था, जैसे लग रहा था कि किसी ने सफ़ेद धागे और कोकोपीट और इसकी रूट को मिलाकर बांध दिया हो। तो मैंने फटाफट से मिट्टी हटाई अपने डायंथस से, फिर उसको कोकोपीट को हाथ से हटाने लगी, जो उसके रूट एकदम से उसमें एकदम से उसमें गुच गई थी रूट बाउंड, हाथ से हटाई नहीं जा रही थी। तो मैंने एक पानी से भरा एक बर्तन लिया, उसमें ये डायंथस का प्लांट डाल दिया। तो कुछ टाइम तक जब वो पानी खूब अच्छे से सोख लिया कोकोपीट, तो उसकी रूट को मैंने धीरे धीरे कोकोपीट से अलग किया और इसको फिर से मैंने मिट्टी में थोड़ी सी सैंड और खाद की मात्रा बढ़ाकर, और जिस तरीके से एडेनियम के प्लांट को लगाते हैं चारों तरफ रूट को फैलाकर, तब मैंने इसको दोबारा प्लांट लगाया। तो गाइस, आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नर्सरी से लाने के बाद प्लांट में ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि आपका जो डायंथस है वो उसकी रूट किस तरीके से है। हालांकि नीचे तो अंदर तो कोकोपीट के साथ नर्सरी वालों ने शायद इसे ग्रो किया था, बाद में इसे खूब अच्छी मिट्टी, खाद वाली मिट्टी के साथ लगा दिया, लेकिन वो जो रूट बाउंड हो चुका था उसको नहीं हटाया, क्योंकि उनका काम है लगाना और बेचना, हमारा काम है प्लांट की जब हम ख़रीदते हैं तो इनका केयर हमारे ऊपर आ जाता है। तो बस जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो मैंने मिट्टी ज़्यादा नहीं हटाया, थोड़ा सा मिट्टी हटाकर लगा दिया।
क्योंकि उन्होंने पत्ती की खाद से मिट्टी लगाई थी, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी, पीली मिट्टी थी नहीं, तो मैंने नहीं हटाया। बाद में मैं देखी तो बहुत हैरान रह गई मुझे। अगर मैं वैसा नहीं करती, दोबारा से इसे निकाल कर इसकी रूट को कोकोपीट से अलग करके, जो रूट बाउंड हो चुका था उसे हटाकर मैं इसको दोबारा से नहीं लगाती, तो मेरा प्लांट ग्रो नहीं करता, हो सकता था कि मर भी जाता। मैं इसमें बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करती थी, लेकिन न के बराबर रिजल्ट आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि इसमें रूट में कुछ प्रॉब्लम है, नीचे कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो पहले सोचा कि कहीं पॉलीथीन वगैरह तो नहीं रूट के पास है, जिससे कि रूट मिट्टी में फैल नहीं रही है, इसीलिए इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में मिट्टी में रूट वगैरह रह जाती हैं, सॉरी मिट्टी में पॉलीथीन वगैरह रहती है, तो उससे भी रूट मिट्टी में नहीं फैलती है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो मैंने यही सोच के किया था कि कहीं नर्सरी में लगी लगाई जो आई थी, मैंने मिट्टी भी नहीं हटाया था, पूरा वैसे ही मैंने लगा दिया था, तो कहीं नीचे भी एक पॉली बैग तो नहीं है। तो मैंने हटा कर बस देखा, और देख कर मैं बहुत ज़्यादा शौक रह गई। टॉपिक में मुझे दम लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि नर्सरी वालों का काम होता है प्लांट लगाना बेचना, और हमारा हम अपने शौक के लिए इन्हें लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करें और खूब अच्छी फ्लावरिंग करें। हालांकि डेंथस का प्लांट 2-3 साल तक आपके पास रह सकता है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये प्लांट खूब अच्छे से अब ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। मैंने रिपोर्ट करने के बाद, हालांकि मैंने इसे इसकी रूट को खूब अच्छे से धो दिया था कोकोपीट से, जो रूट बाउंड हो चुकी थी, जैसे लग रहा था कि किसी ने हाथों से यूं बांध दिया हो रूट को कोकोपीट के साथ, और फिर धागे से लपेट दिया था। तो आप ही सोचिए कि इस कंडीशन में प्लांट कैसे ग्रो करता। तो बस मैंने अभी ये अच्छे से खूब ग्रो करेगा, तो मैं इसका एक प्लांट, ये कटिंग से हालांकि ग्रो भी हो जाता है अब सीड से भी, तो इसकी एक कटिंग मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगी ज़मीन पे, ताकि ये 2-3 साल तक ये खूब अच्छे, ज़मीन पे लगने के बाद ये खूब अच्छे से बढ़ेगा, फैलेगा, और ये प्लांट मुझे नर्सरी से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि अब ये तरीका मैं यूज़ करके देखती हूँ कि क्या इसका फ़ायदा होता है। तो गाइस, आई होप आप भी नर्सरी से लाए हुए प्लांट को एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि उसकी रूट के पास कोई प्लास्टिक नहीं है, या फिर उसकी रूट बाउंड तो नहीं हुई है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक ले बाय, हैव यू नाइस डे। लवली गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।